जिला गुजरात में कत्ल का एक और वाकया। गुजरात के इलाका कोटला के गांव मछोड़ा में एक बेटे ने अपने बाप को गोलियां मारकर उसी मकान में कत्ल कर दिया जो मकान उसके वालिद ने तैयार करवाया था। बताया गया है कि फरियाद हुसैन अवान को उसके बेटे किश्वर हुसैन ने सहन में तू तकरार के बाद जो ही वो उसका वालिद फरियाद हुसैन कमरा में गया तो किश्वर हुसैन भी पीछे अपने वालिद के चला गया और 30 बार पिस्टल से फायर करके अपने बाप को मौत के घाट उतार दिया और मौका से फरार हो गया। इतला पर थाना कुकराली पुलिस मौका पर पहुंची और मकतूल की लाश कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाई। FIR के मुताबिक घरेलू तनाजा जो है वजह बताई गई है, जबकि सोशल मीडिया पर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि किश्वर हुसैन ने अपने बाप को इसलिए कत्ल किया कि उसने चंद रोज कबल अपनी बीवी को फरियाद हुसैन ने मुलजम की जो माँ थी उसको तलाक दे दी थी, जिसकी रंजिश की बिना पर उनकी पहले भी तू तकरार हुई थी और कत्ल वकुआ के रोज भी तू तकरार के बाद किश्वर ने अपने बाप को गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। थाना कुकराली पुलिस का कहना है कि मुलजम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और जल्द मुलजम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आवाज न्यूज से मैं हूँ आकाश न्यास। आवाज न्यूज, हर लम्हा बाखबर। हमारे चैनल आवाज न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।